मध्य प्रदेश की सियासत में सोमवार का दिन काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि सोमवार के दिन से बजट सत्र शुरू हो रहा है और बीजेपी ने बजट सत्र में फ्लोर टेस्ट की मांग की। वहीं कांग्रेस भी फ्लोर टेस्ट को लेकर तैयार नजर आ रही है, जिसको लेकर सीएम हाउस पर मैराथन बैठकों का दौर जारी रहा। बैठक में पहुंचे विधायकों ने क्या कुछ कहा, जानते हैं। सरकार हमारी है, कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और 5 साल रहेंगे, इसकी बिल्कुल चिंता न करें। जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा सबके सामने हिसाब किताब बराबर होगा। 5 नहीं अगले और 5 साल रहेगी। देखो, बीजेपी कहीं सफल नहीं है, देश के चुनाव से लेकर के प्रदेश के हालात पर बीजेपी कहीं सफल नहीं है। बीजेपी पूंजीवाद का दूसरा स्वरूप है, आप लोग समझिए। जो आजादी से पहले की जो परिस्थितियां थी, आजादी की जो परिस्थितियां हैं, जो पूंजीवाद का स्वरूप है, ये हमारे पूंजीवाद की आज जो हालात बन गए। लेकिन जो साथ छोड़ गए उन 22 की भरपाई कैसे कैसे करें, वो देखो सब संस्कृति जन जो परिणाम है वो सामने जो आप दिखा रहा हूँ। कोई मैं समझता हूँ ये सब चिंता करते नहीं, हम लोग मैं खासकर चिंता नहीं करता, कर्म करते नहीं। महत्वपूर्ण मुद्दा इस प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य का है, कोरोना वायरस का है, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का है। इन मुद्दों सभी मुद्दों को लेके हर समय हमारा फ्लोर टेस्ट होता है, वो इस फ्लोर यहाँ पे विधायक दल की बैठक होती है, यहाँ पे बैठक होगी। कौन भी कराना चाह रहा है सदन में होगा या अध्यक्ष तय करेगा, क्यों घबरा रहे हैं? अपने विधायकों को तो बुलाए, उनके क्षेत्र के लोगों के फोन आ रहे हैं कि हमारे विधायकों को क्या कोरोना वायरस तो नहीं हो गया, उनके मोबाइल बंद जा रहे हैं, वो मिल नहीं पा रहे, तो हमें उनकी भी चिंता है। कांग्रेस पार्टी की दल के लिए हर विधायक की चिंता है। हर विधानसभा सत्र के पहले विधायक दल की बैठक रखी जाती है, उसी तरह रखी गई है। फ्लोर टेस्ट होना कल हमारे स्पीकर महोदय के उनके विवेक पर निर्भर करता है क्या कराते हैं। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विधानसभा में नहीं है, उनकी मांग करने से नहीं होता। विधानसभा के अंदर कोई प्रस्ताव आना चाहिए, कोई प्रस्ताव ऐसा आएगा तो स्पीकर महोदय उसमें निर्णय करेंगे, बाहर बोलने से कुछ नहीं होता। उससे 7.5 करोड़ जनता को मध्य प्रदेश की सुरक्षित रहे। और दूसरी बात, अगर आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र बचना चाहिए और जो जनमत है उसका सम्मान और आदर होना चाहिए। वो तो जिस दिन से कांग्रेस की सरकार बनी थी उसी दिन से बोल रहे हैं, 3 बार बहुमत साबित किया कमलनाथ जी के नेतृत्व में। अरे कॉन्फिडेंस इस बात का है कि आज हमारे विधायक स्वतंत्र है, आज सब बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब से ले गए न मोबाइल पे बात कर रहे हैं न टीवी देख पा रहे हैं। कांग्रेस दल के विधायक फिलहाल कोटियाट होटल में रुके हुए हैं और अब चूंकि विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री निवास में बुलाई गई है तो उनके जाने के लिए यहां पर बसें जो है वो लगा दी गई हैं। अब से कुछ देर में विधायक अपने कमरों से निकलेंगे और इन बसों में सवार होकर मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचेंगे और वहां पर जो मुख्यमंत्री जो कल जिस तरह से विधानसभा का सत्र होना है, जिस तरह से वोटिंग वहां पर की जानी है, उसके बारे में विधायकों को बताएंगे। पर एक बार फिर मुख्यमंत्री अपने सारे विधायकों को अपने साथ बिठा के विश्वास में लेने की पूरी कोशिश उनके द्वारा की जाएगी। तो अब से कुछ देर में यहाँ से ये बसें रवाना हो जाएंगी और मुख्यमंत्री निवास में अब से कुछ देर में विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें कल विधानसभा सत्र को लेके पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। कैमरामैन अंकित के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज बल भोपाल। तो विधायक दल की बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है और जो विधायक हैं कांग्रेस के जो विधायक हैं वो यहाँ से निकलने लगे हैं और कुछ देर में सीएम हाउस यहाँ से पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं कि सामने जो बस लगी हुई है उसमें जाके उस बस से वहाँ पहुँचेंगे। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के अंदर लोकतांत्रिक चुनी सरकार चलेगी और मध्य प्रदेश को इस कोरोना जैसी महामारी से भी बचाया जाएगा और देश के अंदर संविधान की रक्षा के लिए हर काम करेंगे। सर बड़ा उत्साह और आत्मविश्वास दिख रहा चेहरे पर। बिल्कुल आत्मविश्वास और उत्साह है। इस हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे अनुभवी नेता माननीय कमलनाथ जी है, उनके नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर काम कर अभी हमारे साथ मौजूद थे कुणाल चौधरी जो विधायक है, उनका कहना है कि हम सब अभी फिलहाल विधायक दल की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं और आगे भी मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में ही काम करते रहेंगे। कैमरा मैन अंकित के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल।